इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताने जा रहे हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन और वेंटिलेटर में क्या अंतर होता है। जब मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसे मेडिकल ऑक्सीजन दिया जाता है, लेकिन जब मरीज सांस नहीं ले पाता तो उसे वेंटिलेटर पर रखा जाता है। मेडिकल ऑक्सीजन मरीज के मुंह तक एक ट्यूब और मास्क के जरिए पहुंचता है, जबकि वेंटिलेटर प्रेशर के साथ फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता भी है। वेंटिलेटर लगाना एक जटिल प्रक्रिया है, जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर या मेडिकल ऑक्सीजन देना आसान होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर में बिजली की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वेंटिलेटर के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है। वेंटिलेटर में एक पाइप गले से डाला जाता है जो फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। वेंटिलेटर को मैकेनिकल वेंटिलेटर भी कहा जाता है। जानते हैं मेडिकल ऑक्सीजन क्या होता है। मेडिकल ऑक्सीजन को वातावरण में मौजूद हवा से शुद्ध ऑक्सीजन अलग करके बनाया जाता है। आप सभी यह तो जानते ही हैं कि हवा में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और 1% अन्य दूसरी गैसें जैसे कि क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, हीलियम, नियॉन और धूल या नमी जैसी अशुद्धियां होती है। हवा में सिर्फ 21% ऑक्सीजन होती है जो मेडिकल इमरजेंसी में से उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसीलिए मेडिकल ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में एक खास तरीके से बड़े बड़े प्लांट में तैयार किया जाता है। मेडिकल ऑक्सीजन कैसे बनता है? मेडिकल ऑक्सीजन को बड़े बड़े प्लांट में बनाया जाता है। इस प्रोसेस में हवा को फिल्टर किया जाता है, जिससे कि उसमें से धूल मिट्टी को हटाया जा सके। इसके बाद हवा को कंप्रेस किया जाता है। इन गैसों का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम तो होता है और अलग अलग भी होता है। इन्हें जमा करके ठंडा किया जाए तो यह सभी गैस बारी बारी से लिक्विड बनती जाएगी। इसके बाद इन्हें अलग अलग करके लिक्विड फॉर्म में जमा कर लिया जाता है, तो इस तरह से 99% तक शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। DPMI सिर्फ शिक्षा हुनर ही नहीं बल्कि सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। थैंक यू DPMI।